हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई उन फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं जो कि काफ़ी कम अमाउंट में निकलती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एक इन्फॉर्मेशन और थी, हम इसी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन डी फार्मा की स्टडी पर भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी की स्टडी कर रहे हैं, आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें जो फार्मा स्ट की वैकेंसी निकली हुई है, ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या फिर सेंट्रल लेवल पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 37 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि निकली हुई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में ये वैकेंसी रहने वाली है। आगे अगर हम बात कर लें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर लिखा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है, ये परमानेंट जॉब नहीं रहने वाली है। वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पर आपको अपॉइंट करेंगे, उसके बाद में वो रिलीविंग भी करा सकते हैं और कंटिन्यू भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की 25 पोस्ट जो निकली हुई हैं, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पर प्रोग्राम RCHNM में ये NHM में ये 25 पोस्ट रहने वाली हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए अंडर फार्मेसी काउंसिल, अंडर फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये देख लीजिएगा आप ये किस स्टेट में निकली हुई है, उसी स्टेट की आपके पास में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए लाइक MS ऑफिस और इंटरनेट। आपकी सैलरी यहाँ पर बता दी गई है। उसके बाद में आयुष फार्मासिस्ट की दो पोस्ट निकली हुई हैं, ये भी NHM डिपार्टमेंट में निकली हुई हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर आयुर्वेदिक फार्मेसी मांगी गई है और होम्योपैथिक की भी यहाँ पर पोस्ट हैं कुछ। फार्मासिस्ट की 6 पोस्ट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट रहने वाली हैं, इनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी रहने वाली हैं। अगर होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है तो होम्योपैथिक में आपके पास में डी फार्मा होना चाहिए, आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक में होना चाहिए, और ओनली फार्मासिस्ट की पोस्ट है तो वो एलोपैथिक में आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि और उसके बाद में आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ये पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पेज के लिंक पर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद में आप इस पेज को अच्छे से रीड कर सकते हैं प्रॉपर। हम इसके नोटिफिकेशन पर भी ध्यान देंगे, नोटिफिकेशन भी देखेंगे। आगे कंडीशन देख लें कॉन्ट्रैक्ट की, तो किस बेसिस पर आपको ये लेंगे, क्या क्या इनकी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, वो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ये इसके रूल्स रेगुलेशन है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर बता दी है, 500 रहने वाली है जनरल और OBC के लिए, 300 SC ST के लिए रहने वाली है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं आपके लिए। अब आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, देन इसको आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे। देखो, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आप फ़ीस को सबमिट करिए। इन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया है, उसमें आपको फ़ीस को सबमिट करिए। देन उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि आप फॉर्म को डाउनलोड करिए। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में प्रिंटर से प्रिंट निकाल के उसको फिल कीजिए। फिल करने के बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और आपका रेजिडेंस वगैरह जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है, उनकी जीरोक्स निकाल के सेल्फ अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में PDF में कन्वर्ट करके, PDF में कन्वर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, वो ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो एक PDF में कन्वर्ट करने के बाद में एक मेल पर आपको सेंड करने हैं। मेल पर सेंड करने के बाद में ये आपको बाय कॉल कॉन्टैक्ट करेंगे और बाय मेल कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद में हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होने जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन में देख लेते हैं बेसिकली ये कहाँ के लिए वैकेंसी हैं और कहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली हैं। इनकी नोटिफिकेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और आप भी नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का तरीका हम दोबारा से और रिपीट कर देते हैं। अप्लाई ये आपको किस तरीके से करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद में फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 10+2 10th और आपका ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड
और ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनकी फोटोकॉपी करा के, इनको सेल्फ टेस्ट करके, इनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया है वो भी फिल करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको ये दिए हुए मेल एड्रेस पर सेंड करना होगा। ये इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन में किस तरीके से चीज़ें, तो मैं इस वीडियो में इस पेज का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाके आप इस पेज को ओपन करके स्क्रॉल डाउन कर करके नीचे की तरफ आओगे तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को आप बहुत क्लियरली केयरफुली आप रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।